अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह से उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने लगी रोल, कीमा रोल परांठा। उसके लिए मैंने ये एक बाउल ली है और एक मैंने कप मैदा लिया है। उसको अच्छी तरह मैंने छान लिया है। और अब इसमें मैं डालने लगी हूँ, एक कली मैं दही डाल लिया, डालने लगी हूँ। और आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच, दो चम्मच ऑयल, और अच्छी तरह इनको मिक्स कर लिए। अब इनको मैं हाथ की मदद से ना अच्छी तरह मिक्स करूँगी। इन्हीं हाथ से बेहतर ज़्यादा मिक्स होता है चम्मच की नस्बत। अब जो ये इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करती हूँ और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेती हूँ और इसको इसके ऊपर प्लेट रख के तो मैं 2 घंटे 1 घंटे जितना टाइम है उसके लिए मैं रख देती हूँ। तो अब चलती हैं जो चीज़ें मैंने इसमें डालनी है। ये कीमा ली है मैंने एक वाली, और एक टमाटर प्याज ली है, और ये ज़ीरा पाउडर, अदरक और धनिया पाउडर, ये रेड मिर्च और कुटी मिर्च आधा आधा चम्मच मैंने ली है, और ये आधा चम्मच मैंने नमक ली है, और ये 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये थोड़ा सा प्याज है, बंद गोभी है, टमाटर है और खीरा है। इसको मैंने क्रश वो सैलड के लिए बना लिया मैंने ये। और 1 चम्मच इसके ऊपर मैंने सिरका डाल दिया और चुटकी एक ये काली मिर्च डाल के, 1 चुटकी नमक डाल के इसको मिक्स कर लिया। 1-1 चुटकी बस डालने से ज़्यादा नहीं डालना। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। अब एक लेते हैं फ्राई पैन, उसमें जो अदरक लहसुन का पेस्ट है उसको ज़रा अच्छी तरह भून लेते हैं, उसकी स्मेल ख़त्म करते हैं। और प्याज के साथ इसको अब भूनते हैं। अब वो कीमा मैंने डाल दिया, उसको भी थोड़ा, इतना ज़्यादा तो नहीं, उबला हुआ तो पहले ही है, थोड़ा सा इसको पकाना है बस। ये धनिया और ज़ीरा पाउडर मैंने डाल दिया, नमक भी डाल दिया साथ ही, ये मिर्ची वगैरह जो थी वो भी मैंने डाल दी। अब इनको अच्छी तरह भूनना है। ये भून गया, अब इसको चूल्हे से नीचे उतारते हैं और आटे के, आटा तो सही बिल्कुल सेट हो गया, अब इसके पेड़े बनाते हैं। छोटे छोटे पेड़े बनाने, इतने ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाने, कि इसको डबल बनाना है और इसमें कीमा भी बनना है, तो इसलिए इसको ज़रा छोटे रखें और ब्रीक करना है इसको। एक रोटी मैंने इस तरह बना ली छोटी सी, अब दूसरी रोटी इस तरह ही छोटी सी बनाऊंगी। अब इसके अंदर वो जो सारे कीमा वगैरह है उसको फिलिंग करते हैं। इतनी ज़्यादा मोटी मोटी भी नहीं करनी कि वो ज़्यादा ही मोटा बन जाए, और रोल भी तो इसको करना है। अब जितना आपको आसानी लगे उतना आप इसमें कीमा भर ले। मैंने आपको दिखाया जितना मैंने भरा। अब दूसरा जो रोटी है वो इसके ऊपर आके इसकी साइडें अच्छी तरह बंद करनी है कि ये बाहर ना निकल आए। ये काम सारे आस्ता होते हैं, जल्दबाजी में ये काम नहीं होता। और हाथ की मदद से, बेलने की नहीं, हाथ की मदद से ना इसको ज़रा रोटी को बड़ा करना है। बड़ी आसानी से हो जाती है ये हाथ में, क्योंकि अंदर तो इसके कीमा है। हाँ जी, अब तवे को ना ऑयल के साथ ग्रीस करते हैं। जो आम तवा वही है, नॉनस्टिक वगैरह नहीं है, आम तवा जो जिसमें रोटी बनाते हैं। और इसके ऊपर ये परांठा जो मैंने कीमे वाला बनाया है ये डाल देते हैं। तो नाज़रीन, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें बहन भाई रिश्तेदारों दोस्तों के साथ। और हाँ, साथ लगी घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। और इसको परांठे को आसा इसको ग्रीस करते हैं ऊपर से भी। इतना ज़्यादा ऑयल लगाना नहीं है, 1-1 चम्मच ऊपर नीचे लगाना है। अब ये परांठा बन गया, इसको नीचे उतारते हैं और इसके ऊपर वो जो सैलड मैंने बनाया है ये पहले इसके ऊपर ये बेस जो मैंने मायनीज और केचप की बनाई है सॉस, ये ऊपर लगा लेते हैं।
मायनीज और केचप को ना मैंने एक चम्मच कुटी मिर्च डाल के ना इसकी ये बनाई है। अब इसके ऊपर मैं सैलड डाल रही हूँ। सैलड को डाल के इसको ज़रा ऊपर से थोड़ा सा प्रेस कर देना कि ये अंदर इसके साथ चिपटी रहे, और साथ ही इसको पेपर से, अगर पेपर है तो ठीक है, अगर नहीं तो वो साफ सा कोई कॉपी का पेज पेपर वगैरह ले ले, उसको रोल कर दें आसी, अच्छी तरह इसको रोल करें, ये खुद ही वो लपेटा जाता है, इतना मुश्किल नहीं। और छुरी के साथ इसको ना दरमियान से काट लें। तो ये देखें कितना प्यारा मज़ेदार कीमा रोल परांठा, ये तो शुमार में भी से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें अंदर सारा सैलड वगैरह सारा कुछ है। बाकी आप ट्राई करें, खाएं पिए मौज उड़ाएं, दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।